नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित, अवसाद और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश है। असल में अर्जुन तो माध्यम है, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए ही तो है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। भगवद गीता में प्राणी के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान है। भगवद गीता पढ़कर के समझने से आपके सोचने समझने और व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। आप अपने व्यर्थ के विचारों, चिंताओं और आशंकाओं को दूर कर पाते हैं। जब आप यह कर पाते हैं तो आप में उत्साह और उमंग का संचार होता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। अगर आप इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी अधूरा ज्ञान न लें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनें। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन है जिस दिन आपका जन्म हुआ है, और दूसरा दिन जब आपको यह समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वह दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनि से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है उस वक्त वो हमारे ध्यान से चला जाता है, वह नजर ही नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहता हो, तो आप उसे कभी भुला नहीं पाते हैं। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। तो आपको यह कहानी अवश्य सुनना चाहिए, जो आपके हर बुरे वक्त में आपको बहुत काम आएंगे। एक राजा के पास एक बहुत बड़ा बागीचा था और इस पर अलग अलग तरह के फलों के पेड़ थे, और एक किसान उस बागीचे की देखभाल करता था और उस किसान के परिवार भी इसमें उसका सहयोग करते थे। प्रत्येक दिन वह किसान उस बागीचे से ताजे फल तोड़कर राजा को देने जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके बागीचे में अमरूद, नारियल, आम और कई फल पक चुके हैं और खाने योग्य भी हो गए हैं। तब किसान सोच में पड़ गया कि आखिर किस फल को राजा के पास लेकर जाऊं। उसने सोचा कि अंगूर तो काफी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो क्यों ना राजा के लिए अंगूर ही लेकर जाऊं। उसने एक टोकरी अंगूर से भर ली और राजा के महल की ओर चल पड़ा। उसे महल में जाने की अनुमति मिली। वह महल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उस वक्त राजा बहुत चिंतित था और गुस्से में था। आज भी किसान हर रोज की तरह पके फल से भरा टोकरी राजा के पास लेकर आया। राजा को गुस्से में देखकर किसान राजा से दूर किसी एक कोने में जाकर बैठ गया। फिर राजा अंगूर खाना शुरू कर देता है। वह एक अंगूर खाता और दूसरे अंगूर को किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता, और जब उसका निशाना लग जाता तो किसान कहता कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। फिर राजा और जोर से किसान के माथे पर अंगूर फेंकता।
इस बार भी किसान ने पहले की तरह ही जवाब दिया, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, परमात्मा तो बड़े दयालु हैं। इस पर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं तो इसके माथे पर अंगूर फेंक कर मार रहा हूं, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बजाय यह और ज्यादा ही खुश हो रहा है। राजा ने इस प्रतिक्रिया को देखकर उससे पूछा, मैं तो तुझे बार बार अंगूर से तेरे माथे पर मार रहा हूं और तू कह रहा है कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत भले हैं, तू ऐसा क्यों कह रहा है? इसके जवाब में किसान कहता है, हे राजा, बाग में तो आज अमरूद, नारियल जैसे कई बड़े बड़े फल पककर तैयार हो चुके हैं। वैसे मैं अगर चाहता तो नारियल, अमरूद और बड़े बड़े पके फल भी लेकर आ सकता था, और यदि यहां अंगूर की जगह नारियल, अमरूद इत्यादि होता तो आज तो मेरा बुरा ही हाल हो जाता। इसलिए यही कारण है कि मैं कह रहा हूं, राजन, आज तो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर बहुत भले हैं, दयालु हैं। दोस्तों, अगर वास्तव में देखा जाए तो यह कहानी हमारी जिंदगी से ही तो जुड़ी है, क्योंकि कभी कभी अंगूर की तरह ही छोटी छोटी मुसीबतें आकर हमारे जीवन में आने वाले नारियल और बड़े बड़े फल के समान बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं आ पाते हैं, और हम सोचने में लग जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। हम छोटी छोटी समस्या के पीछे अपना समय व्यर्थ ही सोचने में जाया कर देते हैं कि यह समस्या मेरे साथ ही क्यों होता है, पर यह नहीं समझ पाते कि इसके आने से तो बड़ी समस्या टली हुई होती है। और ऐसा तभी हम समझ पाएंगे जब हम अपने हर तकलीफ को, अपने हर दुखों को गहराई से समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो यह हम समझ पाएंगे कि बहुत बार जब हम वर्तमान में किसी चीज से बहुत तकलीफ होती है या दुख लगता है, और तभी हम भविष्य में जान पाते हैं, हमें एहसास होता है कि अगर वह चीज हमारे साथ नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी इतनी बेहतर न होती। दुख भले ही हमें अच्छा ना लगता हो, लेकिन बहुत बार यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इसलिए ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि हर अच्छी दिखने वाली चीज हमारे लिए अच्छी ही हो, और यह भी हमेशा जरूरी नहीं कि कोई चीज हमें दुख तकलीफ दे रही हो तो वह हमारे लिए गलत साबित हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी या दुख आती है तो वह दुख और परेशानी आपको भविष्य में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आती है। एक बार एक परिवार में पुत्र और पिता रात में भोजन के लिए बैठे तो उस लड़के की मां ने उन दोनों के प्लेट में जली हुई रोटी और सब्जी परोसे, और उसकी मां ने अपने बेटे और पति से माफी मांगी कि गलती से उसकी रोटी जल गई है। तो उस लड़के के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जली हुई रोटी तो कड़क होती है और मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसी रोटी मुझे बहुत पसंद है। अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर उसके पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपको क्या जली हुई रोटी बहुत पसंद है? तो उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मां आज दिन भर काम करती रही, एक जली हुई रोटी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर मैं ऐसा न कहकर उसे, अगर मैं कठोर और तीखे शब्द में उसका जवाब दिया होता तो यह बात उसे बहुत दुख पहुंचता। कठोर और तीखे शब्द दिल को बहुत चोट पहुंचाते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई भी कमी ना हो। इसलिए मैंने इस बात को जाना और हम दोनों ने हमेशा जिंदगी भर यही सीखा है कि एक दूसरे की गलती को स्वीकार करना, उन्हें अनदेखा करना, हमें एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके जीवन को जीना सीखना चाहिए, तभी हमारे संबंध खुशहाल रह पाएंगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए। एक दूसरे को कठोर और कड़वे शब्द ना कहें, बल्कि एक दूसरे की कमी को जानकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। वहीं उसके उलटे, अगर हम एक दूसरे की कमियों को अपने दिल में बिठाना शुरू कर देते हैं, अपने दिल से लगा बैठते हैं,
तो हमारी पूरी जिंदगी कड़वाहट से ही भर जाती है। हमारे सारे रिश्ते कड़वाहट से भर जाते हैं। जिंदगी में यह सभी बातें आती ही रहेंगी, लेकिन निर्णय आपका है, क्या आप उसमें खुश रहते हैं या आप उसमें स्वयं को दुखी करके जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं। एक राज्य में एक राजा अपने नगर के निरीक्षण के दौरे पर गया था। उसने सोचा, क्यों ना आज अपने नगर के लोगों की क्या समस्या है देख करके आऊं कि किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सर पर लकड़ी की गठरी रखकर ले जा रहा था। वह बहुत ही गरीब था। राजा को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने इस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप तो इतनी तेज गर्मी में लकड़ी का गट्ठर बांधकर सर पर ले जा रहे हैं, आप पसीने से पूरे लथपथ हो चुके हैं, आप मेरे रथ पर आकर बैठ जाइए, आपको जहां भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। उस गरीब बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं। तो राजा ने कहा, मैं कोई छोटा बड़ा व्यक्ति नहीं मानता, हमें तो एक दूसरे की मदद का भाव रखना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है और किसी व्यक्ति के पास उस चीज की कमी है तो हमें उस चीज को अवश्य ही उसे देना चाहिए। और मैं भी एक मनुष्य हूं और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। और ऐसा मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के पीड़ा को नहीं समझ सकता वह मनुष्य नहीं हो सकता, वह तो पशु के समान है। इसलिए आप मेरे रथ पर आकर बैठ जाइए, मैं आपको आपके मंजिल तक अवश्य ही छोड़ आऊंगा। राजा के अनुग्रह करने पर वह गरीब किसान राजा के रथ पर आकर बैठ गया। रथ आगे बढ़ा तो राजा ने देखा कि उस किसान के सर से पसीना अभी भी बह रहा है। तो राजा ने देखा कि उस किसान ने अपने सर पर से उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं उतारा है। राजा ने उस बूढ़े किसान से कहा कि जब आप इस रथ पर बैठ गए हैं तो आपको अपने सर पर इस गट्ठर को रखने की क्या ही आवश्यकता है, आप अपनी इस गठरी को रथ पर रख दीजिए। तो किसान ने राजा से कहा, महाराज आपने तो मुझे रथ पर बिठाया, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इन लकड़ियों के गट्ठर का वजन आपके रथ पर पड़े, इसलिए मैंने इसे अपने सर पर ही ले रखा है। तो उसकी इन बातों को सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने बहुत ही अफसोस जताया और उसने अपना सर पकड़ लिया। मित्रों, यही कहानी हम सभी की है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने सर पर लकड़ी के गट्ठर के समान चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रहा है। वैसे असल में तो वह कुछ नहीं कर सकता, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है, अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक कर्म करना चाहिए ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर, चाहे वह आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर हो, वह सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं, तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक मात्रा में पत्थर का अंश है बस उसे निकालता हूं और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह ही होता है, बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालता जाता है, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लग जाती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। एक पिता का एक बहुत ही गुस्सैल पुत्र था।
पिता कीलों से भरा हुआ एक थैला अपने पुत्र को दे देता है और कहता है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो उस थैले में से एक कील निकालकर अपने बागीचे में कहीं ठोक देना। एक दिन जब उसे बहुत ही गुस्सा आया तो उसने उस थैले से कील निकालकर बाड़े में दीवार पर ठोक दी। इस तरह से जब भी उसे कभी ज्यादा गुस्सा आता तो वह ऐसा ही करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह बाड़े में कील ठोकने में जो मैं समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा हूं, उससे तो कई गुना ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने गुस्से पर काबू पा लूं। ऐसा करते करते उसके द्वारा बाड़े में कील ठोकने की गतिविधि कम होने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया, उसमें बहुत ही गुस्सा आने के बावजूद भी उसने एक भी कील बाड़े में नहीं ठोकी और ये सारी बातें वह अपने पिता को बताया। पिता उसके जवाब में कहते हैं, जब भी इस तरह से अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हो और एक भी कील दीवार पर नहीं ठोकते हो तो बाड़े में जाकर किसी एक कील को उखाड़ लेना। पुत्र ने अपने पिता की बात मानी और वह ऐसा ही करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि दीवार में एक भी कील नहीं बची तो यह खुशी वह अपने पिता से जाहिर करता है। तो पिता उसे लेकर बाड़े में आ जाते हैं और जहां पर उसने कील ठोकी थी वहां उन्हें दिखाया। पिता ने अपने पुत्र को उन सारे छिद्रों को दिखाया जहां पर उसने कीलें ठोकी थी और फिर अपने पुत्र से पूछा, क्या तुम इन छिद्रों को वापस भर सकते हो? पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो संभव ही नहीं है। पिताजी ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा बेटा, यह बताओ कि इन सब चीजों से तुमने क्या सीखा? इससे तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा कहे गए कटु वचन दूसरे के दिल में इसी तरह छिद्र कर देते हैं जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसको तुम जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भर सकते। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है जो भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी हालात आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार कर जाएं कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाते हैं, तो वास्तव में आप ऐसा करके अपने मन की भड़ास को निकाल तो लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपना हिम्मत न खोएं और मन में क्रोध न लाएं। लेकिन हां, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें। एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उसकी जिंदगी धन संपत्ति और हर तरह के वैभव से भरा हुआ था। अचानक किसी दिन उसके व्यापार में बहुत बड़ी मंदी आ गई और उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। वह जो कुछ भी जिंदगी भर कमाया था उसे सब कुछ बेचना पड़ गया। उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बची है, ऐसी जिंदगी जीकर ही क्या फायदा, इससे बेहतर है कि मैं अपना जिंदगी ही त्याग दूं, स्वयं को ही खत्म कर दूं। ऐसा मन में विचार निरंतर उसके मन में आता रहा और एक दिन वह शहर के एक बड़े पहाड़ी की ओर चल पड़ा और पहाड़ पर चढ़कर नीचे खाई में कूदने का मन बना बैठा। उस पहाड़ पर एक संत बैठे हुए थे। उसने उस व्यापारी को देखा और उससे प्रश्न किया, आखिर तुम अपना जीवन क्यों त्यागना चाहते हो? उसने कहा, एक समय की बात है, मैं बहुत धनी व्यक्ति हुआ करता था। मेरे पास रुपयों पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कंगाल हो गया हूं और ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, इससे बेहतर होगा कि मैं स्वयं को ही मार दूं। संत ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हें धन कमाने की कुशलता कल भी थी और आज भी है। बीते वक्त में तुम्हारा धन चला गया, तूने धन को खोया है, लेकिन अपनी कुशलता और अपने स्वयं को नहीं खोया है। धन कमाने की कुशलता तुम्हारे अंदर कल भी था और आज भी है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। कल भले अच्छा था और आज बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन खुद पर विश्वास रख, आज भले मुश्किल है लेकिन कल अच्छा अवश्य ही आएगा। वक्त ही तो है, कल अवश्य ही बदल जाएगा। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद।
और अगर आप में साहस और हौसला है तो हर तूफान के बाद भी किनारा है। ये मुश्किल वक्त तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुझे और भी बेहतर बनाने के लिए आया है। ये तुम्हारे साहस और कौशल की परीक्षा लेने के लिए आया है। इसलिए तू हिम्मत मत हार और वापस अपने घर को जा और पहले से ज्यादा मेहनत कर। जो कुछ भी तेरे पास है उसे वापस प्राप्त करने की कोशिश कर। उस व्यक्ति के हृदय में महात्मा की ऐसी बातें सुनकर एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी और वो एक नए जोश में आ गया। उसने समझा, धन समाप्त हुआ है, मैं थोड़े न समाप्त हुआ हूं। क्या मेरी पहचान, मेरी जिंदगी सिर्फ धन से ही होती है? धन मेरे कारण से था और मैं धन के कारण नहीं था। और मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने मजबूत इरादों से जब चाहूं तब धन कमा सकता हूं। वह व्यापारी वापस अपने नगर को आया और महात्मा के कहे बातों के अनुसार उसने बहुत मेहनत की और पहले से ज्यादा धनवान व्यक्ति बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता हो, वह वक्त गुजर ही जाता है। तो इसलिए हमेशा स्मरण रहे कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आती है तो वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसलिए अपने मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उससे लड़कर अपनी जिंदगी में और बेहतर मुकाम को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर को जा रहा था। रास्ते में उसने एक हाथी को देखा। उसने देखा कि वह हाथी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह किसी रस्सी से बंधा हुआ था। उस व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि हाथी चाहे तो रस्सी को एक ही बार में तोड़ दे, क्योंकि वह बड़े से बड़े चट्टान को, पेड़ को, किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकता है और बड़े बड़े जंजीरों को भी तोड़ सकता है और अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है। वहां तो न तो कोई जंजीर था, न कोई पिंजरा था, फिर भी वह असमर्थ दिख रहा था। उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उसे बहुत विचलित कर रहा था। इसलिए वह तुरंत ही उस हाथी के ऐरावत के पास गया और उसने ऐरावत से पूछा कि इसका क्या कारण है कि एक मजबूत हाथी एक पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है और यह हाथी कुछ करने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है। तब ऐरावत ने कहा, जब यह हाथी बहुत छोटा था तो उस वक्त से ही इसे इसी पतली रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह बहुत छोटा था और यह रस्सी इसके सामने बहुत ज्यादा मजबूत थी और यह उस वक्त उस मोटी रस्सी को तोड़ भी नहीं सकता था। उस समय उसने बहुत कोशिश की कि रस्सी टूट जाए। उस दौरान उसके पैरों से खून निकल जाता था क्योंकि उसे बहुत गहरे चोट लग जाते थे, लेकिन वह छोटा और बच्चा होने के कारण इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। इसने बहुत बार प्रयास किया लेकिन यह रस्सी नहीं टूटी और अंत में इसने हार मान लिया कि मुझसे यह रस्सी तो नहीं टूटने वाली। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बड़ा होता गया और उसके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी उससे नहीं टूटने वाली। वैसे यह चाहे तो किसी भी वक्त इस रस्सी को आराम से तोड़कर बिना ज्यादा बल लगाए ही अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि यह अपने बचपन में मिले हार को अपने संपूर्ण जीवन का ही हार मान बैठा है और इसीलिए अब यह कोशिश नहीं कर रहा है और यह मन से हार जाने के कारण एक कमजोर और पतली रस्सी से भी हार चुका है। मित्रों, यह कहानी भी हमारी जिंदगी की तरह ही होती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी या दुख तकलीफ आती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा समझने लगते हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारे मन में डर बैठ जाता है और परिणाम यह होता है कि उस परेशानी से निकलने का दोबारा कोशिश ही हम नहीं करते, क्योंकि हम मन से हार चुके होते हैं। उसी तरह असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, लेकिन हम उन दुखों को खुद से बड़ा समझ लेते हैं, उन समस्याओं को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं
और इसी कारण वह समस्या उलटे खुद हम पर ही हावी हो जाती है और हमें वह बहुत विशाल लगने लग जाता है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई दुख परेशानी आए तो उसके आगे घुटने हमें नहीं टेकना चाहिए, उसके आगे हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो मन से हार जाता है वह अपने दुखों से भी हार जाता है, जीवन से भी हार जाता है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर, मन को काबू कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। आशु एक जीवन शैली का हिस्सा है, किंतु आगे आने वाली समस्या का समाधान नहीं। व्यक्ति को दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन भर पीड़ा को हृदय से लगाना आगे बढ़ने का समाधान नहीं है। हर समस्या के तीन समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उनके होते हुए तू क्यों परेशान है? कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वह नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। अगर बना सकते हो श्री कृष्ण को तो अपना बना लो। जीवन के सारे दुख दर्द दूर और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ और श्री कृष्ण का साथ है तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आप इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवद गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख ना दें कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यह कर्म चक्र है, यहां हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है, फिर चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया जाएगा। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है, स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचें, हल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वैसे दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको ही जानता है। क्रोधी व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ता भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जरूरी नहीं कि उपहार कोई वस्तु हो। प्रेम पर वाह, इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार है।
कभी किसी को देकर तो देखें, मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। अपने वह हैं जो विपत्ति में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, अपनों का पता चल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में भक्ति हो और नियत में खोट ना हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है, इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वो रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखाओ अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना, यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी। बस तुम अपना जीने का अंदाज न खोना। मनुष्य अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो पर दुनिया के सामने उसे मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि ये वह दुनिया है जो आपके दर्द आंखों में आंसू लेकर सुन तो लेंगे पर वही बात आपके पीठ पीछे बड़ा चढ़ाकर कहेंगे। आपका मजाक उड़ाते हुए औरों को सुनाते हैं, इसलिए अपने दर्द अपने कान्हा से कहें। कितना अजीब है मन, जब हम गलत होते हैं तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा विनाश से बड़े है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।